तो कितने अपराधियों पर चला पाए हैं बुलडोजर? देखिए, आपको पता है आप महान यूट्यूबर हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और आपने अपने चैनल में दिखाने की इस बात के लिए भी कई बार प्रयासरत किए हैं कि हमारे द्वारा बुलडोजर कैसे लोगों पर चलाया जाता है और किस तरीके से हम लोग कार्य करने का काम करते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप वहाँ के हर एक उत्तर प्रदेश की कमियों को दिखाने का कार्य करते हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ बृजभूषण दुबे जी, आप जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ वहाँ के हर एक दुष्परिणाम को दिखाने का कार्य करते हैं, एक आध बार भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का दिखाने का भी कार्य करें, आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पहले हालात क्या थे और अभी हालात क्या है। आप सबसे पहले गलत सवाल जवाब कर रहे हैं। आप पहले जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को सही तरीके से बात करने का कार्य करिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीता है और इसी धारा से साथ चलने का काम करेंगे, और 2024 में पुनः हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। कसम से, जब भी हम मोदी जी का वीडियो देखते हैं ना, मनवा गदगदा जाता है और दिल से आवाज निकलती है। और पहला हूँ चुनाव लड़ल नहीं है, कुछ कारण से जनता जनार्दन हमारा के साथ ना दिया लस, लेकिन एवरी योगी आदित्यनाथ महाराज की सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से जनता जनार्दन हमारे साथ दिले बा। और हम विश्वास के साथ कहतनी के कहू आदमी के बात के काटे ना दे। बृजभूषण जी, आपका वीडियो हम जलवा में भी देखने का काम करते थे, एक कैदी था बगल में बैठ कर आपका वीडियो देख रहा था। हमने बोला क्या देख रहे हो? बोला वही उत्तर प्रदेश वाले दुबे जी हैं बृजभूषण जी। लोग आपको बुलडोजर बाबा के नाम से क्यों बोलते हैं? इतना बड़ा प्रदेश है, लोग हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को उनके नाम से जानते हैं। देखिए, आपकी सवाल तो बिल्कुल सही है और मैं कह सकता हूँ कि बुलडोजर बाबा के नाम से तो लोग जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि बुलडोजर किस पे चलता है? जो अन्याय करेगा, जो गरीबों के साथ अन्याय करेगा, उसके साथ हमेशा बुलडोजर हम चलाने उस पर बुलडोजर चलाने का कार्य करते हैं। हम सभी के लिए ऐसा नहीं कर सकते। कितने अपराधियों पर चला पाए हैं बुलडोजर? देखिए, आपको पता है आप महान यूट्यूबर हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और आपने अपने चैनल में दिखाने की इस बात के लिए भी कई बार प्रयासरत किए हैं कि हमारे द्वारा बुलडोजर कैसे लोगों पर चलाया जाता है और किस तरीके से हम लोग कार्य करने का काम करते हैं। यह है नीलेश दीपू, और केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की ही आवाज में नहीं। और अब चलिए, आपने कहा था बहनों भाइयों हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है, तो गंगा तो ऐसे ही रह गई। देखिए, आपकी बात सोच अलग है। जिस तरीके से आप अपने YouTube चैनल पे हमारे बातों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं, हमने देखा है। ऐसे बहुत सारे अवसर जब आए हैं तो आप मुझे नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं, यह बात ठीक नहीं है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी दिन रात मेहनत करके प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश को बहुत तेजी से आगे लेकर के बढ़ने का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम तो ऐसा नहीं करते हैं। अब अगर अस्सी और वरुणा नदी सब बज बजा रही हैं तो हम अच्छा कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, सवाल आप कर सकते हैं, आप पत्रकार हैं और पत्रकार को पूरी तरह से आजादी है कि वो सवाल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का गलत सवाल पूछ करके आप मुझे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप हमको हड़का रहे हैं क्या? देखिए, मैं हड़का नहीं रहा हूँ, मैं जो बात है वो, और मैं हड़कने वाला भी नहीं हूँ। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह नीलेश दीपू ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी की आवाज में ऐसा कहा। बहनों भाइयों बोलते हैं, भाइयों बहनों बोलते हैं, भाइयों बहनों। हाँ, आज मैं जब टीवी खोला मैंने देखा है इनके द्वारा जो वीडियो लगातार शेयर होते रहते हैं, एक सामाजिक तौर पे, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारे देश में हो रहे हैं कैसे, उन बातों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं जिसके बारे में आप लोग हमेशा इंतजार करते हैं। इस बीच यदि मोटा भाई न आए तो मजा नहीं आएगा। मोटा भाई यानी आप सभी समझदार हैं, पहले अंतर्देशीय और उसमें लिखा जाता है। आप सबसे पहले गलत सवाल जवाब कर रहे हैं।
आप पहले जो लैंग्वेज है लैंग्वेज को सही तरीके से बात करने का कार्य करिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीता है और इसी धारा से साथ चलने का काम करेंगे और 2024 में पुनः हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। मोटा भाई ने हरकाया और मोटा भाई माने बड़ा भाई, आप उसको गलत क्यों ले रहे हैं? देखिए बोलने का तरीका आपका गलत है। देखिए हम लोगों ने सुना है कि हम लोग को कुछ लोग ऐसे बोलते हैं लेकिन साक्षात रूप से मेरे ही सामने मुझे इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। आइंदा से आगे से ऐसी गलती न करिएगा, जिस तरीके से बोलने का कैमरे के सामने बात वर्जित कर रहे हैं ये आगे से ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? जितनी हाइट आपकी उतनी हाइट हमारी, जितने मोटे आप उतने मोटे हम, बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनकी मिलनी होनी चाहिए सरकार में, सरकार के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे। आप भैया अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहेंगे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमको कैसे अड़काएंगे? देखिए जिस तरीके से आप वहाँ के हर एक उत्तर प्रदेश की कमियों को दिखाने का कार्य करते हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ बिजभूषण दुबे जी कि आप जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ वहाँ के हर एक दुष्परिणाम को दिखाने का कार्य करते हैं, एक आध बार भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का दिखाने का भी कार्य करें, आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पहले हालात क्या थे और अभी हालात क्या है। उपलब्धियों को भी हम दिखाते हैं मुख्यमंत्री जी। स्कूल आपने अच्छा बनवा दिया, स्कूल प्राइमरी स्कूल में बहुत सुधार हुआ है, सड़कें भी ठीक हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे थे शिवपलानंद वैसे ही केशवानंद पता नहीं आपकी टांग खींच रहे हैं क्या? देखिए हर सवाल का जवाब देना उचित नहीं है और मुझे लगता है कि आप ये पहले से ही संयोजित करके हमारे पास एक क्वेश्चन करने के लिए पहले से ही तैयार थे, कैसे क्वेश्चन करके मुझे गुमराह करने की कोशिश करेंगे? उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता को पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर कार्य हो रहे हैं और आने वाला समय फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार हो। अब लोग कहते हैं कि आप भेदभाव वाला काम करते हैं, आपकी पार्टी के जो गुंडे हैं वह गुंडे नहीं, वो तो क्रांतिकारी नेता है और दूसरी पार्टी के गुंडे हैं उनको आप ढहलाते जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए कौन क्या बोलता है इसकी चिंता मत करिए, देखिए कौन क्या बोलता है इसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना किसी से साथ दुर्व्यवहार करती है ना किसी प्रकार की भेदभाव है, हम लोग अमीर गरीब हम सभी लोग एक साथ मिलकर के लेकर चलने का कार्य करते हैं और आप भी इस बात के लिए भली भांति जानते हैं। नीलेश दीपू को अब हम ले चलते हैं सीधे सीधे सीने जगत के तमाम अभिनेताओं की तरफ। नीलेश हम लोग थोड़ा टहलते हुए कुछ आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग चलते हैं गोरखपुर में ही जी। रवि किशन वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यानी सांसद हैं जी। ओ भैया सबसे पहले तो रवि किशन का नमस्कार है और कसम से जब भी हम दुबी जी के वीडियो देखते हैं ना मनवा गदगदा जाता है और दिल से आवाज निकलती है हर वहाँ। रवि किशन जी आपको तो मनोज तिवारी ले आए, अपने पहले अपने मार दिए छक्का गोरखपुर से लड़े थे जी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आशीर्वाद है कि हम गोरखपुर से सांसद बनने का अवसर मिला है, हम बाबा के भक्त हैं और बाबा का आशीर्वाद जब तक रहेगा तब तक हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे हर हर महादेव। निरहुआ को भी आपने सांसद बना दिया आजमगढ़ से, ये सब क्या कर रहे हैं? आपको पूछेगा कौन कौन से? भैया गले का मतलब है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की आवाज में बोले थे और एक पहला हूँ चुनाव लड़ा नहीं है, कुछ कारण से जनता जनार्दन हमारा के साथ ना दिया सर, लेकिन योगी आदित्यनाथ महाराज की सानिध्य से उनके आशीर्वाद से जनता जनार्दन हमारे साथ दिले बा और हम विश्वास के साथ कहते नहीं कि कहूँ आदमी के बात के काटे ना दे, जेवन बात कहनी मंच पर वही बात हुई और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के 2024 में फिर से लिया के बाद बहुत बहुत धन्यवाद बाप के। लालू प्रसाद जी बहुत दिन जेल में रहे आप और बेचारे बड़ा आप झेले हैं, अभी है कि एक लड़का तो आपका बन गया डिप्टी सीएम, फिर दूसरे वाले का क्या करें? देखे पत्रकार लोगों से बात करने में मेरा बड़ा ही परहेज हो रहा है, पहले था जब भी कैमरा उठाते थे हम भक से बोलते थे लेकिन बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, कैसे कैसे तो फिर से सत्ता में आया, क्या चाहते हैं कि फिर से दोबारा अंड बंद बोल के हटा दे,
ब्रजभूषण जी आपका वीडियो हम जलवा में भी देखने का काम करते थे। एक कैदी था बगल में बैठ कर आपका वीडियो देख रहा था। हमने बोला का देख रहे हो? बोला वही उत्तर प्रदेश वाले दुबे जी हैं ब्रजभूषण जी, उन्हीं का वीडियो चल रहा है। बात करते हैं विकास की, तो उत्तर प्रदेश में कहा था रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। वही विद्यार्थी परिषद वाला लड़का कहता है मोदी आमे का वो भी।